नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कभी भी किसी के फैमिली के जो मुखिया हैं, अगर मान लीजिए किसी फैमिली के कोई मुखिया हैं और उनकी डेथ हो गई है और उनके नाम पे जो प्रॉपर्टी है, जो खेत है, उस प्रॉपर्टी को अब उनके जो वारिस हैं उनके वारिसों के नाम पे कराना है। जैसे कि मान लीजिए मैं यूपी की अगर बात करूं तो यूपी में जो लो है, यूपी में क्या है, मान लीजिए अगर किसी के परिवार के मुखिया की डेथ हो गई है, अगर किसी परिवार के मुखिया की डेथ हो गई है तो उनके जो उत्तराधिकारी होंगे, उनके घरवाली होंगी, उनके बच्चे होंगे, बच्चों में जो लड़के हैं और उनकी जो लड़कियां हैं, अगर लड़की शादीशुदा हैं या फिर अविवाहित हैं या विवाहित हैं, दोनों कंडीशन अलग अलग होंगी, तो उनके नाम पर जो प्रॉपर्टी आएगी उस प्रॉपर्टी को जो उनके उत्तराधिकारियों के नाम पे ट्रांसफर करना है वो कैसे होगी, तो ये प्रोसेस हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर जो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कभी किसी की मुखिया की मृत्यु हो जाती है, कोई मुखिया की डेथ हो जाती है, तो उनकी डेथ के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उनके जो वारिस हैं, उन वारिसों के नाम पर उस प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, कि उस मुखिया की नाम पर उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनके नाम उस प्रॉपर्टी पे चढ़ जाए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना होता है आपको, मान लीजिए कभी भी अगर किसी के साथ ऐसे दुखद घटना हो जाती है कि उनके जो पिताजी हैं किसी के, उनकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उनको क्या करना है। अगर मैं स्पेशली यूपी की बात करूं तो यूपी में आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए ऐसा कभी हो जाता है किसी के साथ में, तो इसके लिए आपको एक ऑनलाइन आवेदन कराना होता है फ्रेंड्स। ऑनलाइन जो आवेदन होता है वो एक आरसी नाइन का प्रोविजन होता है, RC9 का फॉर्म आपको भराना होता है। ये जो RC9 का फॉर्म होता है ये ऑनलाइन आप भरवा सकते हैं किसी भी तहसील में जाकर, साइबर कैफे जो होते हैं तहसील में, वहां पर कंप्यूटर पर आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। इस फॉर्म को जब आप भरवाएंगे तो इस फॉर्म को भरवाने के लिए कुछ डिटेल्स हैं जो आपके पास में होनी चाहिए, जैसे कि आपको जिस जिसके नाम उन पर चढ़ने हैं, जो जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनके आधार कार्ड वगैरह होने चाहिए, उनके आधार कार्ड वगैरह की डिटेल आपको सारी उसमें फिल करनी होती है, और एड्रेस वगैरह वो सारा कुछ आधार कार्ड की जो डिटेल है उसके बेस पर आपको फॉर्म में फिल करनी होती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको RC9 का फॉर्म फिल कराना है जो कि ऑनलाइन हो जाएगा। RC9 का फॉर्म फिल करने के बाद में, जैसे RC9 का फॉर्म आप फिल करा लेते हैं तो उसके 10 से 15 दिन के बाद में वो पहले तो जैसे आप फिल कराते हैं, फिल कराने के बाद में वो प्रोसेस हो जाता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए जो है वो तहसील में तहसीलदार के पास में वो पहुंच जाता है। जैसी तहसील में पहुंचता है तो तहसील में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसके बाद में 10 से 15 दिन के अंदर में उस पर पटवारी जो होते हैं वो पटवारी उस पर रिपोर्ट लगा देते हैं, पटवारी की रिपोर्ट के बाद में पटवारी वेरीफाई कर देते हैं कि हाँ भाई इनके ये वारिस हैं, और ये सब कुछ वेरीफाई हो जाता है। इनके वेरीफाई करने के बाद में उस पर आगे प्रोसीडिंग हो जाती है, तहसीलदार से प्रोसीडिंग हो जाती है, तो उस पर आपके जो वारिस हैं उनका नाम उस प्रॉपर्टी पर चढ़ जाता है बिल्कुल आसान तरीके से। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको जितने भी जिन लोगों के नाम इसमें चढ़ने हैं, वारिस हैं, उनके आधार कार्ड चाहिए होंगे, और आधार कार्ड के साथ में एक आपको वारिसान प्रमाण पत्र भी बनवाना होता है, लीगल एड सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। ये वारिसान सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि जो मृत्यु हुई है जिसकी, उस मृत्यु होने वाले व्यक्ति के जो वारिस हैं, उनकी डिटेल उसमें बन जाती है। ये जो वारिसान बनवाते हैं, ये वारिसान आप तहसील से बनवा सकते हैं, और तहसील से वारिसान बनने के बाद में ये वारिसान की एक फोटोकॉपी आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है उनके साथ में लग जाएगी, और इसके साथ में आपकी जो एक खतौनी होती है, खसरा खतौनी, जो कि आप ऑनलाइन प्रिंट करा सकते हैं अपने तहसील से, इसकी भी साथ में आपको एक कॉपी इन डॉक्यूमेंट के साथ में हार्ड कॉपी आप लगा सकते हैं अपने तहसील में कांटेक्ट करें पटवारी से, जिससे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाता है प्रोसेस ये, क्योंकि होता क्या है, ऑनलाइन तो आप करा देते हैं पर उसको वेरीफाई करने के लिए वो आपका वेट करते रहते हैं कि आप आए और वहां वेरीफाई हो, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं तो आपका काम जल्दी हो जाएगा फ्रेंड्स।
अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आई है, कोई भी डिटेल में आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार की और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।